जालौर जिले के दल्ली राजभरा तहसील कार्यालय में आदिवासी नेता पूर्व विधायक और अनुसूचित जनजाति के पूर्व अध्यक्ष देवलाल दुग्गा डुप्लीकेट ऋण पुस्तिका के लिए धरने पर बैठे। पूर्व विधायक का आरोप है कि तहसील कार्यालय के कई चक्कर काटने के बाद भी उनकी ऋण पुस्तिका नहीं मिल पा रही है। तो वहीं डौंडी तहसीलदार प्रतिभा ठाकरे का कहना है कि नियम से उनकी ऋण पुस्तिका जारी की गई है। अलग से आवेदन भी मैंने डुप्लीकेट ऋण पुस्तिका मांग करने का मैंने आवेदन यहाँ दिया था। लगभग 25 दिन हो गए मुझे, कई कई कारणों से मुझे घुमाया जा रहा है। तो मैंने ये ठाना कि हम अपने मौलिक अधिकार का उपयोग करते हुए धरने का में बैठे। हर प्रकरण में पेशी होती है, पेशी में कथन लिया जाता है, ताकि ऋण पुस्तिका घूमने का मामला है, कहीं यदि डुप्लीकेट ऋण पुस्तिका गलती से जारी हो जाती है और पहली ऋण पुस्तिका पे कहीं कोई गलत काम कर लिया गया उसका उपयोग करके, तो ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है और न्यायालयीन प्रक्रिया है, जिसका न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत आज निराकरण किया गया है, उनका कथन दर्ज किया गया है और आदेश पारित कर दिया गया है, ऋण पुस्तिका जारी होगी।